किसी आम आदमी से एक सवाल किया जाए कि माँ कब खुश होती है, तो शायद वो भी यही जवाब देगा, माँ तब खुश होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। दरअसल किला थाना क्षेत्र के जकीरी मोहल्ले की रहने वाली सबा परवीन की बेटी मनहा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जिसके चलते मनहा का अब शरीर का मूवमेंट काफी कम हो गया, जिसके चलते मनहा की माँ सबा बेहद परेशान है। सबा ने मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक अपनी बच्ची के संबंध में गुहार लगाई है। दरअसल सबा के अनुसार उसकी बेटी मनहा के लिए 16 से 18 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है, जो अमेरिका में मिलता है। अगर सरकार उसे इंजेक्शन उपलब्ध करा दे तो उसकी बच्ची की जिंदगी बच सकती है। सबा ने बताया कि अपनी बेटी के संबंध में वह मुख्यमंत्री योगी से भी मिल चुकी है। सीएम योगी ने सबा को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं बरेली डीएम नीतीश कुमार भी बच्ची की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं बच्ची के नाना का कहना है कि उनकी गुजारिश है कि सब लोग मिलकर मनहा के लिए दुआ करें और जो संभव हो सके मदद करें। मनहा की मां को उम्मीद है कि योगी सरकार उसकी गुहार को सुनेगी और उसकी बेटी की इलाज के लिए हर संभव मदद करेगी। मनहा की मां को चिंता है अगर सरकार ने उसकी बेटी के इलाज में देरी की तो कहीं उसका खामियाजा मनहा को ना भुगतना पड़े। मेरा नाम सबा परवीन है। सर ये अभी 6 मंथ की है, 24 को जो कमिंग 24 है उसको ये 7 मंथ की हो जाएगी। और सर इसको SMA हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ है सर, ज़्यादा लोग जानते नहीं है इस बारे में। सर जब मनहा 2.5 मंथ की थी तो हम लोग ने नोटिस किया कि इसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कम होता जा रहा है। तो सर जब हम लोग ने यहाँ बरेली में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर अशोक मेहंदी रत्ना सब जगह दिखाया, पर वहाँ पर कोई इसको डायग्नोज नहीं कर पाया कि इस बच्ची को क्या हो रहा है। तो फिर डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने सजेस्ट किया कि आप इन्हें डॉक्टर अंकुर गर्ग, जो कि खुशलोक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास ले जाइए। जब हम लोग उनके पास गए तो सर ने भी काफ़ी सारे टेस्ट कराए और टेस्ट कराने के बाद बोले कि इसको आप दिल्ली ले जाओ, बच्चे को शायद कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो सर हम लोग दिल्ली ले गए तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जब डायग्नोज हुआ तो पता लगा कि इस बच्ची को SMA हुआ है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या फिर उसके बाद जब ये बीमारी के बारे में पता चला तो आपने क्या प्रयास किए इसको जल्दी सर? जब हम लोग को डिजीज़ का पता लगा कि इसे SMA हुआ है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये हुआ कि चलो अब एटलीस्ट हम लोग को पता लग गया कि इसको क्या हो रहा है, हम इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे। पर सर जब डॉक्टर ने बताया कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ एक इंजेक्शन है जिसका नेम है जोलगेंसमा, जो कि अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाएगा, बट जब उसका प्राइस सुना सर तो बस हम लोग ये हो गए कि हम लोग को अब डिजीज़ भी पता लग गई पर हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली है। इसका प्राइस है सर 16 करोड़ रुपीज़, जिस पे सर 6 करोड़ का इस पे ड्यूटी लगा है। वो तो सर ये है कि जब हम लोग का हो जाएगा अमाउंट का अरेंजमेंट तो वो तो सर मोदी सर से कह कर के उसको हटवा दिया जाएगा, मगर सर अभी 16 करोड़ अरेंज करना बहुत मुश्किल है। और मनहा जो है वो सर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो वीक होती जा रही है, उसकी लेग्स अभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई सर वो। अभी तक आपने कहाँ कहाँ इसके लिए कहा है? सर यहाँ पे तो सर बरेली में सर हम लोग ने जैसे ही मनहा का पता लगा तो हम लोग डॉक्टर उमेश गौतम सर जो यहाँ के मेयर हैं उनके पास गए, पर सर जब तक हम लोग के पास इस चीज़ का एस्टीमेट नहीं था, सर ने बोला कि आप इस पर एस्टीमेट लगाइए। जब हम लोग एस्टीमेट लेकर आए फिर से सर के पास गए पर सर वहाँ मिले नहीं, तो हम लोग उसी दिन संतोष गंगवार सर के पास चले गए। वहाँ सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, सर ने हम लोग को CM सर से, योगी सर से मिलने के लिए लेटर भी बनाकर दिया। उन्होंने DM सर को भी लिखा कि आप इस बच्ची की हेल्प करिए, इसको जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दिलाने में मतलब जो भी हो सकता है वो पॉसिबल हेल्प करिए। तो DM सर ने भी हम लोग की हेल्प की, उन्होंने एक ही दिन में यहाँ से सारा वेरिफिकेशन करा कर, घर पर ही वेरिफिकेशन करने आए थे काफ़ी सारे लोग, उन्होंने यहाँ वेरिफिकेशन किया और DM सर ने एक ही दिन में लखनऊ जो है ये फाइल जो थी वो ऑनलाइन जो थी भेज दिया सब कुछ। और उसके बाद संतोष सर ने भी, वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, पर अब फिर हम लोग को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या। और सर जब हम लोग को सर ने कहा तो मैंने कहा सर मेरे को आप डायरेक्ट योगी सर से बात करा दीजिए, तो सर ने मेरे को योगी सर के लिए भी लेटर बना कर दिया।
तो सर से मेरी बात हुई होगी, सर से जब मैं गई लखनऊ तो सर ने कहा कि इसमें आपका एस्टीमेट नहीं है, इसमें आप एस्टीमेट लगाइए। तो मैंने उसमें एस्टीमेट नेक्स्ट डे ही जाकर सर को मैंने एस्टीमेट सबमिट कर दिया। बट उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं लग, बट सर ने बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप इसमें बिल लगाइए, मगर अभी तक कुछ उसमें प्रोसेस पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक इंजेक्शन का अरेंजमेंट होगा। बस तो मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची के लिए जल्दी से जल्दी इंजेक्शन का अरेंजमेंट हो जाए ताकि उसकी लाइफ बच सके, क्योंकि इसके अलावा मतलब उसकी लाइफ को बचाने के लिए बस एक यही इंजेक्शन है, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। ये मेरी बच्ची जो है, ये मेरी नवासी है, मैं इसका नाना हूँ। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बस इसको जो बीमारी है, बड़ी बीमारी SMA की बीमारी है जो अपने इंडिया में नहीं है, इसके लिए इंजेक्शन बाहर से आना है। बस आप लोगों का सबसे अपील है कि इसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करें सब लोग, बस यही मेरी अपील है और यही मेरी गुजारिश सबसे।